छतरपुर कोतवाली थाने में उपद्रव करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों की आलीशान कोठियां और महंगी कारों को चकनाचूर कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीम मौजूद रही। छतरपुर सिटी कोतवाली पर पथराव केस में सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है। पुलिस ने इस मामले में 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पथराव करने के आरोपी पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मुख्य आरोपी शहजाद अली परिवार समेत फरार हो गया है। बता दें कि एक दिन पहले हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुंबई में पैगंबर साहब के खिलाफ बयान दिए जाने के विरोध में ज्ञापन देने के बहाने पुलिस पर हमला किया था, जिसमें टीआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जो घटना हुई उसके बाद में लगभग 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है। उसी के साथ प्रशासन, पुलिस, नगरपालिका सभी की टीम मिलकर के जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटाने की पूरी मुहिम जारी है। लगभग करोड़ों की संपत्ति और 4 मुख्य जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन लोगों की संपत्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।